गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज ऋषभ बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आया हूँ लखनऊ अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कराने, और अभी तो मैं हूँ इस समय गोलू के रूम पे। गोलू से बात हुई, उसकी बाइक से जाएंगे नाजा मार्केट में JPS इंटरप्राइजेज, वहाँ मेरी पवन भैया से बात हुई है ऑलरेडी, तो वहाँ जाके पीसी बिल्ड करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं और कराते हैं पीसी बिल्ड, वहीं मिलते हैं डायरेक्ट। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, रूम से बाहर निकलते ही मास्क जरूर पहने, सुरक्षा बहुत जरूरी है। लेट्स गो। तो हम शॉप पे पहुंच चुके हैं और जो है ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हमने अपने पीसी के लिए चूज किए हुए हैं, जो हम आपको दिखा दे रहे हैं, और अभी हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और वो भी आपको देखने को मिलेगी। डिटेल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस ये हमने जो है प्रोसेसर चूज़ किया है Ryzen 5 3600। भैया बताएंगे इसकी क्वालिटीज़ और इसमें क्या है, कितने क्या मिलेगा। ये आपका 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, 2.4 GHz इसकी मैक्स बूस्ट है और 3.6 बेस है, और ये आपका गेमिंग के लिए बेस्ट प्रोसेसर है। ये आपकी NVMe है XPG SX6000 लाइट, जिसकी 1200 राइट स्पीड होती है और 1800 रीड स्पीड होती है, जो नॉर्मल M.2 से 3 गुना फास्ट होती है। और हम यहाँ पे पहले जो सोच रहे थे M.2 लेने के लिए, लेकिन भैया ने जो है ये सजेस्ट किया है कि ये NVMe SSD जो है उससे काफ़ी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस देगी हमें हमारी PC में, इसलिए ये जो है हमने ऐड किया। और ये जो हमने SMPS यूज किया है Antec का 550 वाट, लेने तो आए थे 450 वाट, लेकिन भैया ने बताया फ्यूचर के लिए और अभी के लिए जो है 550 वाट है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, तो ये हमने चूज़ किया है। नहीं, SMPS में तो रीज़न ये है ना कि कम से कम 550 वाट में तुम 2070 तक का कार्ड, नॉर्मल 2070 जो कार्ड आता है उसको यूज़ कर सकते हो। तुम अगर तुम बाई चांस अपग्रेड करना चाहो 2060 सुपर में या 2070 में अपग्रेड करना चाहो, तो उस टाइम पे तुम SMPS चेंज करने के लिए पैसा तुम्हें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इसी SMPS से काम चल जाएगा तुम्हारा। रैम यूज़ किए हमने HyperX की 8GB RGB है फुल्ली। और इसकी बेसिकली खासियत ये है, एक तो इसकी लेटेंसी अच्छी होती है, वोल्टेज सप्लाई 3.5 वोल्ट रहती है, दूसरी चीज़ ये मेड इन ताइवान है, ताइवान हमेशा प्रेफर करता है गेमर, और क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बाकी से अच्छी रहती है, मतलब चाइना से तो बेटर रहती है ताइवान की बिल्ड क्वालिटी। HyperX Fury DDR4 और ये आपका 3200 MHz जो हमने मदरबोर्ड चूज किया है MSI का B450M Pro VDS Max। तो हम मतलब कुल मिला के ये है, इसका चूज करने का पर्पस केवल ये था कि एक तो ये जिस प्राइस में आता है, ये 7.5 से 8 हज़ार रुपए के प्राइस में आता है बोर्ड, और इतने कम पैसे में इस बोर्ड में मतलब लगभग सारे फीचर अवेलेबल है। रीजन जैसे आपका इसका PCI Express स्लॉट दिया हुआ है, स्टील कोटेड है, ये फ्यूचर प्रूफ रहता है, ठीक है। दूसरा 4 RAM स्लॉट दिए हुए हैं, 2 mini PCI स्लॉट दिया हुआ है, और M.2 का स्लॉट दिया हुआ है, और RGB हेडर वगैरह दिए हुए हैं, तो ये कंप्लीट बोर्ड है। ग्राफिक कार्ड जो हमने चूज किया है इसके लिए 1660 सुपर, यार देख लीजिए ये 1660 सुपर कार्ड है आपका, ये DDR6 पे कार्ड रहता है, और ये 192 बिट का कार्ड है, और 6GB मेमोरी क्लॉक दी हुई है, ब्रांड है Gigabyte, वारंटी 3 साल की है, ये OC एडिशन दिया हुआ है, Windforce मॉडल नंबर है इसका। वैसे हमने जो चूज किया था वो 1650 सुपर चूज किया था, लेकिन भैया ने बताया कि जो है ये फ्यूचर के लिए काफ़ी, मतलब हमें 2-3 साल तक कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये प्रोसेसर तुमने 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर यूज़ किया है, इस पे बॉटल नेक बिल्कुल भी नहीं होगा आपका, ये 1660 सुपर और परफेक्ट चलेगा ये कार्ड आपका। कार्ड में बैक प्लेट दी हुई है, ज़्यादातर कार्ड में इशू ये बोलता है सर्विस सेक्शन वाले कि आपके कार्ड में रस्टिंग आ गई है, रस्टिंग इनको दिखती कहाँ पर है, बैक साइड पे, और ऑलरेडी इसमें बैक प्लेट लगी हुई है, तो रस्टिंग आने का कोई भी इशू नहीं है, डस्ट प्रूफ है। रस्टिंग मींस होता है आपका मॉइस्चर आना, ठीक है। तो मॉइस्चर आने पे कभी कभी क्या होता है, सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट के लिए मना कर देता है, इसीलिए तुमको ये कार्ड दिया गया है, क्योंकि इसमें बैक प्लेट वगैरह प्रॉपर दी हुई है।
RGB कैबिनेट, टफन ग्लास शार्ट, मिड टावर, दो हार्ड डिस्क लग जाएंगे, दो SSD लग जाएगी इसमें प्रॉपर, और फुल ATX मदरबोर्ड लग जाएगा आपका। फैन लगाना चाहेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 3, 8 फैन इस छोटी से कैबिनेट में लग जाएंगे। इसको तो भाइयों इसको लगाने का तरीका सिंपल सा ये रहता है कि इसमें एक गोल्डन एरो दी रहती है प्रोसेसर के पास में, और बोर्ड पे भी एक डॉट दिया रहता है, इसी को मैच करके लगाया जाता है। ठीक है, इसमें एक प्यारा सा हीटसिंग स्टिकर होता है XBG का। ठीक है, ये सिंपल सा ये यहाँ ऐसे लग जाता है। इसमें हमने जो रैम यूज किया है ये RGB है, अभी हमने 8GB की सिंगल स्टिक DDR4 4 रैम यूज किए, इन फ्यूचर हम इसे अपग्रेड कर लेंगे 16GB पे। ISUT ये आपकी लॉक वेस्ट रहती है, स्टिप दिए रहते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो ये ISUT फिट हो जाती है आपकी। और ध्यान रखने वाली बात ये है, मदरबोर्ड लगाने से पहले ये जरूर लगा ली जाती है। भैया ने इसका केबल मैनेजमेंट किया है, देखिए बिल्ड बहुत ही अच्छा, आपको कहीं से एक्स्ट्रा वायर जो है कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। तो इसके लिए हमने जो हार्ड डिस्क यूज किया है वो हमने यूज किया है टोशिबा की 2TB 5400 RPM पे है। तो गाइज़ हमारा PC जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अंकित भैया क्या बताएंगे? बस यही कहेंगे भाई, इसकी परफॉर्मेंस चेक करना ले जाके, कोई भी इश्यू हो हमको तुरंत कॉल करना कोई दिक्कत लगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पे जो भी तुम गेम खेलते हो उसके सबके रिकॉर्ड करके हमको एक बार दिखा देना कि ये मशीन कितने FPS दे रही है तुम्हारी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। और अगर किसी को लाइव रिकॉर्ड करना और किसी मतलब कोई कैप्चर मत करना, लाइव रिकॉर्ड करना स्क्रीन के साथ में, ठीक है? और क्योंकि जो तुमको TFT दी है ये 165 हर्ट्ज की TFT है, Acer Nitro 1 ms रिस्पॉन्ड टाइम है और IPS पैनल है इसका, जो तुम्हारा एडिटिंग और गेमिंग दोनों के लिए परफेक्ट TFT है तुम्हारी ये। और जिस प्राइस में ये TFT, इस प्राइस में कोई भी TFT नहीं है मार्केट में। और जो हमने इसमें पार्ट यूज़ किए हैं वो सब आप लोगों ने देख ही लिए हैं, अगर प्राइस जानने हो तो आप अंकित भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका कांटेक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, दुकान का एड्रेस भी डाल देंगे, आपको पूरी नाजा मार्केट में JPS इंटरप्राइजेज में रेट टू रेट बिल्कुल करेक्ट प्राइस मिल जाएंगे। क्यों भैया? बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल प्राइस मिलेगा, और जो हमसे वो बेस्ट हो सकेगा हम वो बेस्ट करके देंगे आप लोगों को। सो गाइस, PC बिल्ड हो चुका है और हम लोग वापस रूम पे आ चुके हैं। तो रूम पे आने के लिए सबसे पहले जो है हैंड सैनिटाइजर, जो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये है सारे प्रोडक्ट, ये बैग है, इसमें छोटा मोटा सामान रखा हुआ है, ये हमारी है मॉनिटर,
ये ट्राइपॉड लिया है, ये कीबोर्ड एंड माउस और ये अपना पीसी। तो इसे घर चल के करेंगे अनबॉक्स और इन्हें कर लेते हैं हम यहीं सैनिटाइज। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी हो या कोई सुझाव हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।